गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से नामांकन का दौर जारी है। सर्व समाज पार्टी प्रत्याशी सुभाष ठाकुर ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके समर्थक काफी उत्साहित नजर आए। सुभाष ठाकुर ने एक सेट में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। मीडिया से बात करते हुए सुभाष ठाकुर ने कहा कि हम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, पिछले दो वर्षों से लोगों की सेवा में जुटे हुए थे और इसी को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हमारी प्राथमिकता होगी। सुभाष ठाकुर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए हम चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। आज लास्ट दो साल से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, और जिस तरह से काम हम कर रहे हैं महिलाओं के साथ, हमारी जो है कार्य ज़्यादा चलता है, क्योंकि झारखंड देश का अमीर राज्य है और झारखंड के लोग गरीब हैं। इसकी आवाज़ को घर घर हम लोग पहुँचा रहे हैं, लोगों को जितना हो सकता है बेरोजगारी से मुक्त कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो सकता है, बाकी तो समय आएगा तब पता चलेगा। क्षेत्र में जाके पता चलता है कि वास्तविकता क्या है। जब आप क्षेत्र में घूमेंगे, एक शहर की अपेक्षा जब आप गांव में जाएंगे, तो पता चलेगा कि वहां पर कौन से योजनाएं फलीभूत हो रहा है, उसको क्षेत्र में जाने के बाद ही पता चलेगा। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा रहेगा हमारा जो है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लेके जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं, और जो एकदम ऐसे सुदूर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिनको ये सब की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट भी नहीं काम कर रहे, गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट की योजनाओं को पहुंचने नहीं देते हैं, तो वहाँ पर शिक्षा का ज़रूरत पड़ता है। तो शिक्षा का भी अलग हम लोग जगा रहे हैं, घर घर जो है लोगों को शिक्षित कर रहे हैं कि क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि महिलाएँ या पुरुष जो भी परिवार हैं हमारे साथ आगे बढ़ रही है, और देखा जाएगा आगे क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आई और आप झारखंड की राजनीति और झारखंड वासियों से सरोकार रखते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी जगह एक घंटी है, उस बटन को दबा देने से कुल सटीक और मारक खबर आपको मुफ्त में मिल जाएगा। अगर आप लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे नए प्रयोग में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो हमारा फोन पे नंबर 8235071962। धन्यवाद।